हेलो एवरीवन, आई एम अग्रता, वेलकम टू फिल्मानिया एंटरटेनमेंट। तो आज हम जानेंगे पब्लिक रिव्यू फिल्म यूटी 69 का। मैम आपको कैसी अच्छी लगी? और राजकुंद्र की एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग ज़्यादा मुझे एवरेज लगी, मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं है उनकी, बट मूवी एंटरटेनिंग है, बढ़िया। दर्शकों को ये फिल्म देखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए कि कोई सेलिब्रिटी यदि कोई क्राइम कर देता है, कुछ कर देता है, तो उसके लिए कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है, प्रशासन सबके लिए एक ही है। अगर वो एंटरटेनमेंट के लिहाज से जा रहे हैं तो ये फिल्म देखने से बेहतर होगा कि दूसरी फिल्म सेलेक्ट करें, और अगर वो सच में जानना चाहते हैं कि राजकुंद्रा ने क्या कुछ फेस किया, तब ये फिल्म देख सकते हैं। इट इज़ गुड, लाइक यू नो, बिकॉज एक्चुअली आई एम नॉट लुकिंग एट फ्रॉम द राजकुंद्रा एंगल। राजकुंद्रा इज ट्राइंग टू, जो उनका ही स्पेंड 63 डेज इन जेल एंड ही इज अ बिग पर्सन, ही इज रिच मैन, ही इज मैरिड अ सेलिब्रिटी। Rajkundra per se is not a celebrity because he's married a celebrity, right? So they're trying to express, he's trying to express his concern for human rights. Ki jail mein kaise, you know, jo qaidi log hain, what is the condition of a jail, kya roti milti hai. But ye thoda sa different tha jo hum log Hindi cinema mein 30-40 saal se dekhte aaye hain. अच्छी फिल्म है। एज अ फिल्म अगर हम देखें तो इट्स अ गुड मूवी। जो जेल के अंदर जैसे ट्रीट किया जाता है, डिटेंशन सेंटर में जहाँ पे कैदी मतलब वो करार नहीं किए जाते हैं मगर अक्यूज़ होते हैं, उन लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उस चीज़ को दिखाते हुए राजकुंद्रा ने काफ़ी अच्छा इसमें एक मुहिम दिखाई है। अच्छी फिल्म लगी मुझे उस हिसाब से। तो सर आपके हिसाब से दर्शकों को ये फिल्म लगनी चाहिए? अगर आप इसे राजकुंद्रा की बायोपिक समझ के जाते हो कि आपको राजकुंद्रा की बायोपिक देखने मिलेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ इंसिडेंट ऑफ राजकुंद्राज लाइफ। उस हिसाब से देखने जाओगे तो शायद आप लोगों को उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको एक मूवी के हिसाब से जाके देखोगे कि डिटेंशन सेंटर में कैसे होता है, तो आपको शायद मज़ा आए। यूटी 69 बढ़िया मूवी है। संजू के बाद ये जो मूवी आई है सेलेब के जेल जाने पे, जो इसमें ह्यूमर दिखाया है, मुझे बिल्कुल पसंद आया, और एक्टिंग देख के लगता नहीं कि राजकुंद्रा जो है पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए। नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। तो यहाँ पे आपको लगता है कि दर्शकों को ये फिल्म देखनी चाहिए? देख सकते हैं, पर ऐसा कुछ खास इस मूवी में है नहीं। 2 स्टार। 4.5। 3 स्टार्स। I'll give this movie 4 stars out of 5। इसको मैं 4 स्टार देना चाहूँगा। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।